Tell him, O Lord. आप बोलिए हे प्रभु. You have suffered the wound in your ribs to bring healing in the relationship between me and my husband. और प्रभु आपने यदि पंजर में घाव को लिया, ये इसलिए है कि मेरे और मेरे पति के बीच का संबंध और वो घाव ठीक हो जाए. Tell him, heal our relationship. और बोलिए प्रभु मेरे संबंध को ठीक कर दीजिए. As we say, Lord, you have stripes in your body, so you will heal my body. और आप जैसे कहते प्रभु आपके कोड़े खाने से मेरे शरीर में शिफा मिलता है. In the same way, say you have wound in your ribs, so heal the relationship between me and my husband. और आप बोलिए प्रभु आपके पंजर में भी घाव है, इसलिए मेरे और मेरे पत्नी के बीच में जो भी संबंध है प्रभु उसको आप ठीक कीजिए. As you pray like that, जैसे आप प्रार्थना करेंगे, the healing power will come from the rib of Jesus and heal the relationship between you and your husband. यीशु मसीह के चंगाई करने का सामर्थ उस पंजर के घाव से निकलेगा और आपके संबंध को वो ठीक करेगा. And you shall have new life and oneness as God created you to be. और आप एक नया जीवन को पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है. Believe. विश्वास कीजिए. That God wants you and your husband to be one. कि आप और आपका पति प्रभु चाहता कि आप एक हो जाएं. And believe that Jesus has paid the price. और ये यकीन कीजिए कि यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया है. Supernaturally, God's hand will come and unite both your hearts together. और ईश्वरी तौर पे प्रभु आप लोगों के जीवन को एक करेगा, आप एक हो जाएंगे. Even today, my friends. और आज भी मेरे प्रिय मित्र. There is hope for you. आज भी आपके लिए आशा है. Because Jesus has paid the price. क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया है. And now. और अभी. When Jesus comes, जब यीशु आता है, He brings the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को भी लाता है. The Holy Spirit takes over after Jesus has paid the price on the cross. और पवित्र आत्मा उन तमाम जिम्मेदारियों को लेता जब यीशु मसीह ने क्रूस के पर में सारी कीमत को चुका दिया. What does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा करता क्या है? If you read the Bible, यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे. The Bible says, in the last days, men will become lovers of money, lovers of pleasure, lovers of themselves. Bible में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग खुद को प्यार करेंगे, डिंग मांगेंगे और लोभी हो जाएंगे. So in Acts 2:17, पेतों के काम 2:17 में, the Bible says, Bible में लिखा है, in the same last days, उसी अंत के दिनों में, the Lord will pour His Holy Spirit upon the people. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को लोगों के ऊपर में उंडेलेगा. And what does the Holy Spirit do? और पवित्र आत्मा करता क्या है? He makes your sons and daughters to prophesy. आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करते हैं. Your young men to see visions. और आपके जवान दर्शन देखेंगे. Your elders to dream dreams. और आपके बुजुर्ग जो रहेंगे वो स्वप्न देखेंगे. He turns their eyes from seeing the pleasures of life to visions of God. और जीवन के अभिलाषाओं से मोड़ के वो परमेश्वर के दर्शन की ओर प्रभु अपने बच्चों को लाएगा. This world says, go and satisfy your pleasure and get rid of your desire. और दुनिया कहती है संसार की अभिलाषा में जाओ और सारी बातों को जो तुम्हारे अंदर में उसे निकाल डालो. But the Holy Spirit says, look at Jesus who has sacrificed all the pleasure and you follow him. Sacrifice this pleasure for him. और यीशु मसीह कहता है, देखो, मैं जो तुम्हारे लिए सारी सुख अभिलाषाओं को छोड़ के क्रूस के पर में चढ़ गया, आओ हम भी अपनी सुख अभिलाषाओं को छोड़ के उसकी ओर ताकें. The Holy Spirit will show you Jesus and make you find pleasure through sacrifice. और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा दिखाएगा और उसके बलिदान के जरिए आप आनंद को पाएंगे. That is the principle of Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है. He sacrificed himself for us to come out of poverty and to become rich. और वो खुद अपने आप को बलिदान दे दिया, गरीब बन गया कि हम प्रभु में धनाढ्य हो जाएं. 2 Corinthians 8:9 says. दूसरा कुरिन्थी 8 उसका 9 में लिखा हुआ है. Yes, we become rich by sacrificing ourselves. हम अपने आप को देते हुए धनाढ्य बनते जाते हैं. That is the principle of Christ for pleasure. ये प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है आनंद के लिए. God's pleasure. परमेश्वर का खुशी. Not lustful pleasure. शरीर का खुशी नहीं. But pleasure. To be like Jesus. एक ऐसी खुशी जो यीशु के समान हो. That is the grace God gives us. ये एक अनुग्रह प्रभु देता है. We
Do not succumb to the lust of the world. हम इस दुनिया के अभिलाषा में नहीं फंसते. But we overcome it. हम इसके ऊपर में जय पाते हैं. And He gives us the grace to find joy, to be more than a conqueror. और वो हमें अनुग्रह देता है कि मसीह में जीवन भरा जीवन को जी सके. And this grace is given to the spouse. और ये जो अनुग्रह है हमारे परिवार में पति पत्नियों के बीच में देखने को मिलता है. If you read 1 Corinthians 7:14, यदि आप पहला कुरिन्थी 17 उसका 14 को पढ़ें, you read that an unbelieving husband is sanctified by the believing wife. और यदि कोई अशुद्ध पति है पत्नी के शुद्ध होने की वजह से वो भी शुद्ध हो जाता है. So the wife, what should she do if the husband is an unbeliever or a drunkard or a immoral person? She must get filled more and more with this Holy Spirit. पत्नी क्या करे जब उसका पति अनैतिक संबंध रखता है, पीता है, दुनिया का जीवन जीता है. पत्नी को चाहिए प्रभु के आत्मा से और भरते जाएं. Revelation 22 and verse 4. प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसका 4 में लिखा है. The Lord says, I am coming quickly. प्रभु कहता है कि मैं जल्द आ रहा हूं. So he that is filthy, let him become more filthy. जो अपवित्र है और अपवित्र बना रहे. But he that is holy, let him become more holy. और जो पवित्र है और पवित्र होता जाए. So the wife should not be sitting and crying saying my husband is living a filthy life. और पत्नी बैठ के ये ना रोए कि मेरा पति एक बड़ा बुरा जीवन जी रहा है. The wife should become more holy. और पत्नी को और भी पवित्र होते जाना है. More holy. और पवित्र होते जाना. Get filled with the Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाएं. And that holiness within the wife which is overflowing will go and cleanse the husband because he is also one flesh. और जो पवित्रता जो पत्नी के अंदर में है वो ऐसा बह निकलेगा जो एक प्राणी है एक हो जाते हैं वो पति को भी जाके शुद्ध करेगा. So if your husband is away from God, you, the wife, should get filled more and more with the Holy Spirit. और यदि आपका पति प्रभु से दूर है, आप और भी आत्मा से भरते जाएं. When the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है, the Holy Spirit will fill you with the love of Jesus Christ, with which He sacrificed Himself for you on the cross. यीशु मसीह अपने आत्मा से भरेगा उस आत्मा से जो क्रूस के पर में अपनी कुर्बानी देको किया. So that love will fill you. वो प्यार वो भर देगा. And you will never condemn your husband anymore. और फिर आप अपने पति को फिर दोषी नहीं ठहराएंगे. You will be able to love your husband more. आप अपने पति को और प्यार कर पाएंगे. And that love will go and transform your husband. और वही प्यार आपके पति को बदल देगा. Many years ago, कई साल पहले, this happened truly. ये सचमुच में हुआ. There was a wife whose husband was a drunkard. एक ऐसा पत्नी थी जिसका पति बहुत शराबी था. She was a young girl. वो जवान थी. But she loved the Lord. लेकिन प्रभु को प्यार करती थी. And the whole day he would be away. पूरा दिन वो दूर रहता. In the night the husband will come fully drunk. रात के समय पति पूरा पी के वापस आता. And come and beat her up. और उसको आके पीटा करता. But you know what this lady would do? आपको मालूम है ये स्त्री क्या करती? The whole day she would cry out to God. पूरे दिन भर प्रभु के सामने रोते रहती. Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाती. And honor Jesus. और यीशु को सम्मान देती. Who carries the wounds to heal the relationship in the family. जो घाव को लेके रखा है कि जो परिवार में अपनी चंगाई को दे सके. And in the evening. और शाम के समय. When the husband would come. Fully drunk. जब पति आएगा पूरे शराब की नशा में. She would open the door. वो दरवाजे को खोलेगी. And receive him with love. और प्यार से ग्रहण करेगी. And then she would give him a beautiful hot meal. और बड़े अच्छे गरम खाना खिलाएगी उसको. Oh, the more he beats her. जितना उसको मारा करता था. The more she will love him. उतना वो उससे प्यार करने लगती. Clean him up. उसको साफ करती. Feed him. खिलाती. And love him. और प्यार करती. Days passed. दिन चले गए. The husband couldn't bear it. और पति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया. One day he cried out. एक दिन वो रो के बोल पड़ा. I am trying to destroy you. मैं तुम्हें नाश करने का कोशिश कर रहा हूँ. But you are loving me more and more. लेकिन तुम मुझे बहुत प्यार करती है. You have destroyed me with your love. तूने अपने प्यार से मुझे बर्बाद कर दिया. Help me. मेरी सहायता कर. To come out of this habit. कि मैं इस आदत से निकल के आऊँ. He fell at her feet. वो उसके पैर पे गिर गया. And she prayed for you.
और वो बहन ने अपने पति के लिए प्रार्थना की। Amazingly he was delivered from alcohol. बड़े अद्भुत तरीके से वो शराब की आदत से छूट गया। What great love. कितना बड़ा प्यार है। The love from the cross. ऐसा क्रूस से जो प्यार है। He was sanctified by the believing wife. विश्वास करने वाली स्त्री के द्वारा वो भी शुद्ध हो गया। That's the power the Holy Spirit gives us. ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। It's something supernatural. ये अलौकिक है। To have your spouse transformed. कि आपका पति आपकी पत्नी बदल जाए। The love that flows from the wounds of Jesus. वो ऐसा प्रेम जो यीशु के घाव से बहता है। Comes into you. आपके अंदर में आएगा थ्रू द होली पवित्र आत्मा के जरिए। रोमन्स 5:5 से रोमी 5:5 में लिखा है द लव ऑफ गॉड इज पोर्ड इनटू आवर हार्ट्स थ्रू द होली। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर में उंडेला गया। एंड दैट लव गोज एंड सैंक्टिफाइज द हस्बैंड एंड द वाइफ। और वो प्यार जाके पति और पत्नी दोनों को शुद्ध करता है। एंड कीप्स देम यूनाइटेड एज वन फ्लेश। और एक देह के तौर पे जोड़ के रखता है। मे गॉड गिव यू दिस ग्रेस। परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे। And keep your relationship glorious and one and fully blessed and secure. और आपके जीवन को महिमावंत और बिल्कुल सुरक्षित रखे।